छावनी पुलिस ने पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लॉज से चार पुरुष एवं तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में हो रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर लॉज में छापामार कार्रवाई थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चंद्राकर के नेतृत्व में की गई। लॉज में पकड़े गए संदेहियों में नीलेश वर्मा जांजगीर, सुप्रभात शील, रविशंकर शुक्ला मार्केट भिलाई, राजेंद्र यादव गिरधारी नगर दुर्ग, मंजू लहरे उर्फ मंजू डहरिया दुर्गा मंदिर के पास सतनामी मोहल्ला जामुल, श्रीमती लक्ष्मी हल्दर उर्फ मेघा स्पर्श हॉस्पिटल के पीछे रामनगर सुपेला, श्रीमती संगीता बंजारे सेक्टर 4 भिलाई एवं राहुल वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया जाता है कि 9 जुलाई को नीलेश वर्मा के द्वारा लॉज के कमरों में लड़कियां व महिलाओं को ग्राहकों से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार चलाया जा रहा था। दरअसल छावनी थाना क्षेत्र में प्रभात लॉज है जो पावर हाउस बस स्टैंड के बगल में है। उसमें वेश्यावृत्ति का जो व्यवसाय है उसके संबंध में स्थानीय स्तर पर और मुखबिर के स्तर पर भी सूचना आ रही थी कि यहाँ इस प्रकार का व्यवसाय या कृत्य जो है वो लगातार चलते आ रहा है। पहले भी हम लोगों ने मुखबिर स्थापित किया हुआ था और कल प्रातः 9 बजे एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं जिनका जो पहचान है वो संदिग्ध प्रतीत होता है। तो हमारे द्वारा थाना में बुला करके एक पॉइंटर नियुक्त किया गया जो हमारे लिए हमारी ओर से ग्राहक का काम करने वाला था और वो उस लॉज में जा करके ग्राहक बन करके वहाँ पर जो है ग्राहक बनने के बाद वहाँ जो लड़कियाँ हैं उसका वो मांग करने वाला था। जैसे ही वो पॉइंटर जो है पहुंचता है प्रभात लॉज में तो उसके द्वारा एक सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति है वो की जा रही है और हमें अंदर बुलाया जा रहा है। ये साइन मिलते ही पुलिस की टीम जो है वो रेड मारती है। उसके बाद फिर वहाँ से तीन अलग अलग कमरों से दो लड़के और तीन लड़कियाँ संदिग्ध अवस्था में पाई जाती हैं, बरामद किए जाते हैं। वहाँ से कुछ सेक्सुअल कंटेंट की सामग्री जैसे कॉन्डम और शक्तिवर्धक दवाई है वो प्राप्त की जाती है। फिर उनसे इसका कारण पूछा जाता है और उनके आने का भी कारण पूछा जाता है उन लड़कों का और लड़कियों का। तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब न देने से ये जो कार्रवाई है पीटेट की कार्रवाई अग्रिम रूप से हमारे द्वारा प्रारंभ की जाती है। देखिए ये छावनी क्षेत्र में विशेष रूप से लॉज जो है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित है, विशेष रूप से पीटैक पे तो अधिसूचित क्षेत्र है और वल्नरेबल एरिया है। हमारा ध्यान इस पे लगा रहता है कि इस प्रकार के कोई धंधा व्यवसाय जो है वो चल तो नहीं रहा है। और पुलिस के द्वारा लगातार रेड की कार्रवाई के लिए भी प्लान किया जाता है किंतु होता ये है कि उसके लिए विशेष रूप से मुखबिर और पॉइंटर की नियुक्ति जरूरी होती है और वो अचूक होना चाहिए। उसका जो 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 हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो अचूक ढंग से होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कार्रवाइयाँ जो है एकदम पूरी तरह से अचूक होकर के ही कंप्लीट होती है लेकिन कुछ कार्रवाइयाँ जो है हमें अबॉर्ट करनी पड़ती है, स्थगित करनी पड़ती है क्योंकि तब तक वहाँ से जो लोग हैं वहाँ से भाग के चले जाते हैं। तो ये कार्रवाइयाँ जो है एक मौके की कार्रवाई है। जैसे ही तुरंत हमें मौके पे सूचना मिलती है तत्काल अगर उसमें कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो यही था जिसका परिणाम आपको आज दिखाई दिया है। इनके लिए चैनल के स्पष्ट माध्यम से निर्देश सर। है। देखिए जो भी है लॉज का जो व्यवसाय है और होटल का व्यवसाय है वो उसको जिस व्यवसाय के रूप में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है वो ऐसा व्यवसाय करें। उसके अलावा अनैतिक व्यापार, दुर्व्यापार, देह व्यापार इस प्रकार की चीज़ें अगर होती है तो दुर्ग पुलिस द्वारा कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।